उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के हेमपुर रेलवे स्टेशन का आपको एक नज़ारा दिखाने आज जा रहे हैं आपको दिखाएंगे कि ये हेमपुर का रेलवे स्टेशन है और ये क्यों अब महत्व तो इसका बढ़ने वाला है क्यों हेमपुर से जो माल उतरेगा वो बांग्लादेश तक कैसे पहुंचेगा ये हम आपको आज बताएंगे और कैसे हेमपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है सीतापुर से ये कितनी दूर पड़ता है रेलवे स्टेशन और यहाँ पर कितनी मालगाड़ियाँ अब रुका करेंगी और कितनी मालगाड़ियों का ये रूट ये बन चुका है ये सारी चीज़ें आज आई इंडिया आपको बताएगा तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हेमपुर रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए कि कितना बदल चुका है हेमपुर रेलवे स्टेशन सीतापुर शाहजहाँपुर रूट पर सीतापुर मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर हेमपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि हेमपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो कितना बदल चुका है एक नज़ारा आपको दिखाएंगे कि जैसे मानो किसी शहर के रेलवे स्टेशन में खड़े हों और ये इलेक्ट्रिक रेलवे स्टेशन बन चुका है पांच रेल की ट्रैक हैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे एक दो तीन चार और दूसरी तरफ पांच दो यहाँ पर प्लेटफॉर्म हैं एक प्लेटफॉर्म ये कंप्लीट इधर का है दूसरी तरफ भी करीब करीब कंप्लीट हो चुका है ये जो आपको मालगाड़ी खड़ी नज़र आ रही है ये मालगाड़ी दरअसल आने वाले दिनों में ये गोदाम बनने जा रहा है और यहीं पर माल उतरा करेगा आगे चल करके और मालगाड़ियों से जो माल यहाँ पहुँचेगा यहाँ से माल आगे गंतव्य तक जाया करेगा महत्वपूर्ण ये रेलवे स्टेशन और माल गोदाम इसलिए बनने जा रहा है हेमपुर चूँकि यहीं से अब बांग्लादेश तक जो है माल पहुँचा करेगा आपको ये भी बता दें कि इस रूट पर 50 के आसपास मालगाड़ियाँ आती और जाती हैं ये महत्वपूर्ण बात है और आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये मालगाड़ी रूट बन चुका है तो जो मालगोदाम सीतापुर में हुआ करता था थामसेनगंज में अब आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो हेमपुर रेलवे क्रास रे, रेलवे स्टेशन है यहाँ पर माल उतरा करेगा और ये मालगोदाम रूट बन चुका है बहुत जल्द ही हेमपुर का जो रेलवे क्रॉसिंग है वो भी बनकर कर तैयार हो जाएगा क्योंकि इतनी सारी मालगाड़ियाँ इसी रूट से होकर जब आती जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चूँकि जो सीतापुर और शाहजहाँपुर का एन एच ट्वेंटी फोर राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर भी अगर देखें तो तीस हज़ार के आसपास जो वाहन हैं वो प्रतिदिन आते और जाते हैं तो जाहिर तौर पर इतने बड़े वाहनों के आने जाने के बाद यहाँ पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है ऐसे में जो वहाँ का ओवरब्रिज है वो भी ये कहा जा रहा है कि 2024 से पहले उसकी भी विधिवत शुरुआत हो जाएगी तो ये कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए हम आपको दे रहे हैं जि जिस राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर तीस हज़ार वाहन आते और जाते हों जिस रेलवे स्टेशन हेमपुर पर आने वाले दिनों में माल गोदाम बनने वाला है माल गोदाम चालू होने वाला है तो वहाँ पर मालगाड़ी भारी संख्या में आएंगी और काफ़ी बड़े पैमाने पर माल उतरा करेगा तो इससे निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं आसपास के जो लोग हैं उनको भी मजदूरी मिलेगी व्यवसाय मिलेगा और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कई दशकों पहले इसी रेलवे स्टेशन पर जो बीच में हाल्ट हो गई थी यहाँ पर आ, माल उतरा करता था यहाँ कभी माल गोदाम हुआ करता था अब कई दशकों के बाद फिर से एक बार अब यहाँ माल गोदाम बनकर तैयार हो रहा है और ये बहुत जल्द ही चालू हो जाएगा और इस तरीके की मालगाड़ियाँ आपको काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आया करेंगी वैसे भी पांच जो है ये जो रेलवे ट्रैक हैं इनसे होकर के मालगाड़ी जाती आती हैं हालांकि एक्सप्रेस ट्रेनें भी गुजरती हैं और पैसेंजर ट्रेनें भी इसी रूट से होकर जाती हैं लेकिन ये मेन रूट जो है वो मालगाड़ी का होकर रह गया है और हम आपको फिर से एक बार वो स्टेशन का वो नज़ारा दिखाना चाहेंगे कितना ख़ूबसूरत स्टेशन बनाया गया हुआ है और ये सीतापुर जो जनपद है वहाँ से उस मुख्यालय से सिर्फ बारह किलोमीटर दूर शाहजहाँपुर रूट पर पड़ता है और यहाँ पर अब सब कुछ इलेक्ट्रिक हो चुका है और इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए बाकायदा रैंप बनाया गया हुआ है ओवरब्रिज बनाया गया हुआ है इस मार्ग से होकर के यात्री भी आ जा सकेंगे उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया हुआ है और साथ ही यहाँ पर अब मालगाड़ी आने वाले दिनों में जब ज़्यादा से ज़्यादा रुकेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा माल यहाँ उतरेगा तो निश्चित तौर पर लोगों को व्यापार मिलेगा और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर ये हेमपुर रेलवे स्टेशन आएगा क्योंकि जब बड़ी संख्या में माल उतरेगा तो व्यापारियों को व्यवसाय मिलेगा और साथ ही जो शहर में जाम की समस्या रहती थी थमसेनगंज में अक्सर लोग देखते थे कि बड़े पैमाने पर वहाँ जाम लग जाया करता है उस जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी और जो दिक्कतें मालगाड़ी को लाने ले जाने के लिए थाम सेनगंज में आती थी उन परेशानियों से भी उन्हें राहत मिलेगी यही कारण है कि हेमपुर का जो रेलवे स्टेशन है जो माल गोदाम चालू होगा जब इस पर तो उनके लिए भी बड़ी राहत साबित होगा जो मालगाड़ी आ, बड़ी मुश्किल से थामसेनगंज तक ले जा पाते थे काफ़ी समय उनका लग जाता था क्योंकि कर्ब में वहाँ पर मोड़ बताई जाती है जिस पर से होकर के जा, आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी समय लगता था और इस बीच जो रेलवे फाटक पड़ते थे उन्हें बंद करना पड़ता था आपको भी पता है सभी को पता है कि इस बीच जो रेलवे फाटक कई पड़ते हैं सीतापुर में इस वजह से कई जगह जाम की स्थिति आती थी उस जाम की स्थिति से अब उन्हें छुटकारा मिल सकेगा तो ये बहुत सारी जानकारियाँ आई इंडिया आपको इसलिए दे रहा है लाखों लाख लोगों से जुड़ी हुई ये समस्या भी है और लाखों लाख लोगों के लिए सौगात भी बनने वाली है इसलिए आई इंडिया ने तय किया कि ये जानकारी आप तक पहुँचाएँ हेमपुर रेलवे स्टेशन पर अगर बात करें कि किस तरीके से मालगाड़ियों के आने जाने का क्रम रहता है तो आपको दिखाना चाहेंगे एक खड़ी थी मालगाड़ी और दूसरी मालगाड़ी फिर पार हो रही है इस तरीके से ये मालगाड़ी का रूट है और ऐसे ही एक एक कर पचास से ज़्यादा मालगाड़ियाँ प्रतिदिन इसी रूट पर आती और जाती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले दिनों में हेमपुर का जो ये स्टेशन है जो माल गोदाम बनकर तैयार हो रहा है वो कितना गुलजार होने वाला है कितना लोगों को व्यवसाय मिलने वाला है कितने लोगों को रोज़गार मिलने वाला है ये जाहिर तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं आ, इसी तरीके की एक खड़ी हुई है तो एक जा रही है और ये क्रम आपको ऐसे ही आ, पूरे चौबीसों घंटे जारी रहता है यही कारण है कि हेमपुर का जो रेलवे फाटक है वो काफ़ी समय तक बंद रहता है जिससे प्रतिदिन उस रूट पर करीब तीस हज़ार जो वाहन आते और जाते हैं वो जाम में फंसते हैं घंटों उसके लिए एक ओवरब्रिज बन रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 तक वो बनकर हर हाल में तैयार हो जाएगा उससे पहले भी उम्मीद जताई जा रही है और सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने आई इंडिया के मंच पर आकर इस बात का ऐलान किया है कि बहुत जल्द ही हेमपुर का जो ओवरब्रिज है रेलवे फाटक पर जो पड़ता है वो चालू हो जाएगा तो जिससे हज़ारों हज़ार लोगों को जो रोज़ परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा तो हमने आपको दिखाया कि इसी तरीके से मालगाड़ी यहाँ पर कुछ कुछ समय के बाद आती और जाती रहती हैं तो 24 घंटे में अगर औसत की बात करें 50 के करीब मालगाड़ियाँ आती और जाती हैं इसी तरीके से पैसेंजर ट्रेन भी और एक्सप्रेस ट्रेन भी इसी रूट से होकर आती और जाती हैं अब हम आपको अगली कड़ी में जो स्टेशन अधीक्षक हैं संदीप कुमार उनसे जानेंगे उनके पास चलेंगे कि सीतापुर का जो स्टेशन है और जो माल गोदाम बनने वाला है उसमें क्या कुछ खास है उत्तर रेलवे के हेमपुर स्टेशन जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि यह माल गोदाम बन रहा है और यहां पर कुल कितनी मालगाड़ियाँ आती और जाती हैं और कितनी ट्रेनें पास होती हैं इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेमपुर स्टेशन के अधीक्षक संदीप कुमार उन्हीं से जानते हैं ये जानना चाहूँगा कि कुल कितनी मालगाड़ियाँ आती और जाती हैं और कितनी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें इस रूट से जाती हैं देखिए फ़िलहाल तो ये तो मालगाड़ी का सेक्शन है इसलिए स्पेशली पचास से साठ गाड़ियाँ ट्वेंटी आवर्स में निकल जाती है और पैसेंजर से अप्रोक्स एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस आठ से दस गाड़ियाँ यहाँ से पास होती हैं तो अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ रुकती भी टेने हाँ रुकती है दो गाड़ी सुबह दो गाड़ी शाम अप एंड डाउन की मिला के पैसेंजर गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी में कोई ठहराव नहीं यहाँ पे। आने वाले दिनों में माल गोदाम बनने जा रहा है जी बिल्कुल हेलो हेलो घंटी बोल थे अभी बात करते हैं में। देखिए अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यस्तताओं का रूट है क्योंकि ये मालगाड़ी रूट है और स्टेशन अधीक्षक संदीप कुमार का कहना है कि 50 से 60 जो है माल गाड़ियाँ इसी रूट से आती और जाती हैं। इस वजह से आपके पास इतना भी समय नहीं रहता है सबसे पहले हमेशा इस पर निगरानी रखनी होती है ड्यूटी पर मुस्तैद रहने होता है और यही कारण है कि इस मालगाड़ी रूट पर इतनी गाड़ियों को आसानी से आप आते और जाते हुए देख रहे हैं जानना चाहूँगा कि जो ये मालगाड़ी रूट यहाँ पर मालगोदाम बनने जा रहा है कब तक ये चालू हो जाएगा और कब तक यहाँ विधवत काम शुरू हो जाएगा तो देखिए अभी हमारे यातायात निरीक्षक श्रीकांत यादव जी और हमारे सी एम आई संदीप ठाकुर जी ने भी निरीक्षण किया था कि आई ओडब्ल्यू सीतापुर सिटी के साथ मिलकर तो काम लगभग नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट हो चुका है दस परसेंट थोड़ा सा ये रास्तों का है बनना तो रास्ते भी आपका कम्प्लीट होने ही वाला है वो भी आजकल में कम्प्लीट हो जाएगा तो रास्ते कम्प्लीट होने के बाद ये काम माल गोदाम का चालू हो जाएगा चालू हो जाएगा तो इसके बाद ये माना जाए कि ये मुख्य मालगाड़ी रूट हो जाएगा हाँ ये मालगाड़ी रूट तो है ही लेकिन माल गोदाम बनाने का मकसद उनका यह है कि नॉर्दर्न रेलवे के पास एक अपना व्यापारियों के लिए एक सुविधा प्रदान हो जाएगी जो कि हाईवे से जुटा हुआ है जिससे व्यापारियों को आसानी हो जाएगी माल को लाने में उतारने में कुल ख़ास बात यह है चूँकि एन एच ट्वेंटी फोर जो मार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग जो देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा जोड़ता है और इस माल गोदाम से उसकी दूरी बामसक्किल 200 मीटर भी होगी हाँ। तो उससे व्यापारियों को लाभ होगा हाँ उससे जाहिर है व्यापारियों का भी तो लाभ होगा इसमें सरकार तो ये सोच रही है कि व्यापारियों को जितना ज़्यादा उसके यहाँ लाया जाए क्योंकि इनसे नज़दीक सीतापुर शहर से और बाहर है तो ट्रक का आना जाना आसान हो जाएगा हाईवे की वजह से इसलिए इनका सोचना बिल्कुल सही है इससे हमारा बगल के गाँव है वहाँ का रोजगार बढ़ जाएगा व्यापार को आसान हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें हैं मजदूरों को मजदूरी जी 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 देखिए ये सौगात लेकर आएगा हेमपुर रेलवे स्टेशन आने वाले दिनों में व्यापारियों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी एक अहम बात यह है क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब में है शहर से पास में है और शहर से दूर भी है तो दोनों का फ़ायदा ये है कि जाम की झाम से भी निजात लोगों को मिलेगी और यहाँ से आसानी से माल आ जा सकेगा आखिरी सवाल ये जो मालगाड़ी रूट है ये कहाँ तक जाता है बांग्लादेश तक कहा जाता है कि यहाँ से माल जाता है और कहाँ कहाँ तक जाता है देखिए माल यहाँ से ज़्यादातर आपका पंजाब हरियाणा से माल लोडी होती है जो कि उत्तर प्रदेश बिहार बांग्लादेश मतलब बंगाल होते बांग्लादेश तक जाती है बहुत लंबी रूट है यहाँ का इसलिए यहाँ के कोई दिक्कत नहीं है मालगाड़ियाँ का यातायात सुगम होता है बहुत ही अच्छी यहाँ से गाड़ियाँ आती रहती है इस्पेशली इसलिए मालगाड़ी का सेक्शन बनाया गया है क्योंकि इतनी लंबी दूरी जाने के लिए और कोई सेक्शन है नहीं जो कि शॉर्ट मिच पहुँचा है ये बांग्लादेश तक जाने के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग है देखिए ये बांग्लादेश तक आपके माल को लाएगा और ले जाएगा ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा रूट मालगाड़ी का और कोई नहीं है तो उत्तर रेलवे ये बहुत बड़ी सौगात व्यापारियों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी देने जा रहा है तो हेमपुर स्टेशन आने वाले दिनों में एक बड़े नक्शे पर होगा बड़ा नाम होगा जब यहाँ से माल दूसरे प्रांतों को दूसरे देशों को पहुँचा करेगा तो निश्चित तौर पर हेमपुर भी उसमें एक नक्शे पर पटल पर दर्ज होगा और आपको आखिरी में ये बताना चाहेंगे कि हेमपुर गांव की स्थापना राजा राम बाबा ने की थी उन्होंने स्थापित किया था तब भी ये माल गोदाम था कभी हुआ करता था और एक बार फिर से बीच में हल्ट बनने के बाद एक बार फिर से माल गोदाम भी बन रहा है और स्टेशन भी बनकर तैयार खड़ा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया